नमस्कार जी, मैं शुभम सावंत, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो भाई आज आपको ना अपनी एक सीवी दिख रही होगी फ्रेम में, और इसका कोई आज टेस्ट वेस्ट नहीं करने आया हूँ मैं। दिख रहा होगा, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि मेरी जो एक सीवी है इसमें मैं ये जो शेड्स हैं हमेशा लगा के रखता हूँ, क्योंकि भाई गर्मी एक तो इतनी पड़ रखी है फिलहाल जिसकी कोई हद नहीं। अभी सितंबर का महीना और इतनी गर्मी है कि अगर मैंने पसीने दिखा दिए तो आप लोगों की हालत टाइट हो जाएगी। तो आप सब जानते हो भाई ये जो शेड्स है ना ये बड़ी काम की चीज़ होती है गर्मी के मौसम में या ठंड में भी, क्योंकि एक तो जो गाड़ी के अंदर आप लोगों की पर्सनल प्राइवेसी होती है वो हमेशा रहती है इस गाड़ी में, लोग झांकते ताकते कम है, और वो चीज़ मेरे को थोड़ी ठीक लगती है क्योंकि भाई होनी चाहिए। जैसे कहीं रेड लाइट पर मैं गाड़ी खड़ी करता हूँ, कोई मम्मी बैठी हो या बहन बैठी हो तो लोग ना ऐसे देखते हो, थोड़ी चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो प्राइवेसी कंसर्न हो ना तो ये शेड्स बहुत अच्छे लगते हैं, और धूप से तो खैर बहुत ज़्यादा बचाते हैं, और गाड़ी में कूलिंग भी रखते हैं बेशक आपकी गाड़ी का इंटीरियर कारा हो। तो यार ये शेड्स है ना, मैं थक गया हूँ और आज मैं आया भाई अपनी ये जो एक्सयूवी है इसको जेड ब्लैक करवाने। जेड ब्लैक कैसे, सीधा सीधा बता देता हूँ, लीगली जेड ब्लैक करूँगा इसको। यूँ नहीं कि इलीगल हो, कोई मेरा रोक के ज़्यादा चलान पलान काट लेगा, भाई वो चीज़ पुलिस वाले के ऊपर होगी, उसका माथा खराब हुआ तो हो सकता है। पर ये जो शेड्स है ना इन पे चलान नहीं होता, क्योंकि चलान जो है अगर अकॉर्डिंग टू दी लॉ अगर आप शीशे पे कुछ चिपका रहे हो, जो मतलब शीशा जो है उस पे अगर कुछ चिपका रहे हो जिसकी वजह से आपके शीशा जो है उसके अंदर की विजिबिलिटी कम हो रही है, विजिबिलिटी खत्म हो रही है, उस पे चलान कटता है। इन शेड्स पे लीगली चलान नहीं कट सकता। तो आज इनको मैं जेड ब्लैक करवाने वाला हूँ, और ये जो शेड्स है ना इनसे मैं थका क्यों ये मैं आपको भी बता देता हूँ। हालांकि काम बहुत अच्छा करते हैं अपने, अगर मैं बैठूँ देखो धूप तो अभी इतनी है, दरवाजा बंद करा धूप गायब। इससे मैं थका बताऊं क्यों हूं, क्योंकि एक दो दिन तीन चार दिन पहले की बात है, मेरी इस साइड का जो शीशा है ना, ये ORVM की बात नहीं कर रहा, ये अंदर वाला जो शीशा है इसके मोटर में परेशानी आ गई। क्यों? क्योंकि ये जो शेड्स है ना ये वाले यही यहाँ ऐसे अटकते रहते हैं, यहाँ अटकते हैं, नीचे अटकते हैं, जिसकी वजह से मैं अगर शीशा देखो मैं नीचे कर दिया और ये ऐसे हो गया, चलो मैं शीशा ऊपर करूं तो ये जो है ना कई बार इधर अटक जाते, जैसे आपको बताता हूँ मैं, मेरा भी यहाँ अटक गया ये। तो अब मैं इसका शीशा ऊपर करूँ तो ये चीज़ यहाँ फंस गई, जिसकी वजह से अगर मैं स्पीड में गाड़ी चलाऊँगा तो हवा की आवाज़ आती रहेगी, क्योंकि थोड़ा बहुत गैप बन जाता है। मैं इसको हटाने की कोशिश करूँ ना, हटेगी नहीं है, ये देखो यहाँ से फंस गई ना ये। तो ये जो शेड्स हैं ना इनसे गया हूँ मैं थक, इन वाले शेड से, ठीक है। जेड ब्लैक मैं फिल्म नहीं लगवाने वाला, सीधा बता देता हूँ, लेकिन जेड ब्लैक का मैंने इलाज क्या कराया है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो ये है भाई मेरी गाड़ी का जेड ब्लैक का इलाज। ये जो शेड्स हैं इन्हें बोलते हैं मैग्नेटिक सन शेड्स, और आपको चुंबक दिख रही होगी इन पे, और इनकी ना मैंने बहुत कम वीडियो देखी है अपने यूट्यूब पे, क्योंकि ये जो शेड्स हैं ना इनको मैं कहूँगा अंडररेटेड शेड्स हैं, इसके बारे में लोगों को कम ज्ञान है। क्योंकि अगर सनशेड्स आप लेने जाओ दुकान पे बोलो तो वही वाली जाली दिखती है जो मैंने आपको दिखाया और जो मैंने इतने सालों से अपनी एक्सयूवी में लगा रखी थी। ये मैग्नेटिक सनशेड्स मैं यूट्यूब पे वीडियो ढूंढ ढूंढ थक गया, मेरे को एक भी ढंग की वीडियो नहीं मिली, तो मैंने मैग्नेटिक सनशेड्स मंगा लिए और 6 पीस में आए हैं अपने, और पीछे वाला जो है इनका भी पीस है अभी दिखा देता हूँ। दो तो ये है और इनमें जिपर भी आता है देख सकते हो आप। तो भाई कोई इसमें दोहरा ही नहीं, सीधा मैं आपको लगा के दिखाता हूँ क्या कुछ इसकी फिटिंग आती है, कामयाब है नहीं है, और लुक कैसी आती है मेरी दिन में रात में, और चलाते वक्त कोई मेरे को परेशानी आ रही है नहीं आ रही है कैसे। ये देखो ये सिंगल सिंगल मैंने शेड्स लगा रखे, और कहीं ना कहीं ये इतना ब्लैक है कि मेरे को अंदर का थोड़ा कम दिख रहा है भरी दोपहरी में। इसके कंपैरिजन में ये चीज़ लाइट है या डार्क है मेरे को वो चीज़ चेक करनी है, क्योंकि पर्सनली मैं बताऊँ ये मतलब गलत चीज़ नहीं है, पर पर्सनली मेरे को गाड़ी में अंधेरा पसंद है, अंदर का इंटीरियर काला हो, ये शीशे थोड़े काले हो तो मतलब ठीक सा रहता है, अंदर माहौल प्राइवेट प्राइवेट सा रहता है, ऐसा नहीं लगता कि खुलेआम आप घूम रहे हो, वो चीज़ नहीं पसंद आई मेरे को। तो लगाता हूँ भाई इन सनशेड्स को, और सीधा मैं इसकी फिटिंग दिखाऊँ आप लोगों को। सबसे पहले इस वाले शीशे पे ही लगा के दिखा देता हूँ, अगर इसकी फिटिंग ठीक बैठी और मेरे को ठीक लगे तो ये वाले हैं ना, ये है राइट वाले शीशे के कैसे, क्योंकि इस साइड इसके चुंबक है और जिप जो है इसकी इस साइड है अंदर की साइड, तो इसको सीधा यहाँ मैं चिपका देता हूँ। ये चिपकते हैं भाई यहाँ फ्रेम पे, देख सकते हो आप इधर चिपक गया, ये यहाँ चिपक गया, और इसको थोड़ा यार फिटिंग बढ़िया सी नहीं बैठ रही मतलब, चलो मैंने यहाँ भी कर दिया तो यहाँ जो है ना यहाँ थोड़ा गैप रह गया है, ये दिस इज भाई पहले से विजिबिलिटी बेटर हो चुकी है, मतलब देखो यार फर्क तो है,
पुराने वालों में थोड़े गहरे थे, ये वाले कम गहरे हैं। क्यों कम गहरे हैं इसकी भी मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि ये क्यों कम गहरे हैं। इसको उस साइड लगा देता हूँ और फिर चारों शीशे हैं उन पर लगा के चेक कराता हूँ आपको। अच्छा आप ये देख रहे होगे भाई, ये थोड़े मूड तूड़ रखे हैं क्योंकि मैंने ऑनलाइन मंगाए थे और मेरे घर आने से पहले ही माता जी ने इनकी पैकिंग खोल गिरी, तो अनबॉक्सिंग तो मैं कर नहीं पाया। पर ये जो मैग्नेट है ना, एक तो यार देखो ये टेढ़े मेढ़े हो रखे हैं, ये क्या सिस्टम है इनका भी, थोड़े हल्के क्वालिटी के लग रहे हैं गाइस। एक दो तीन, तीन मैग्नेट है। फिटिंग में यार थोड़ा मेरे को डाउट सा लग रहा है। चलो इधर से आ गई। अच्छा एक यहाँ पर भी है, यहाँ फ्रेम पे चिपका दिया। देखो यहाँ से गैप बन रहा है। फिटिंग भाई 7/10, फिटिंग बेहतर बढ़िया नहीं है। पर अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो आगे वाले हैं ना ये हैं हल्के, यानी पीछे वाले देख लो इनमें ज़्यादा काले हैं, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेरे को इंटीरियर दिख रहा है। इसका मैं फ़ायदा बता देता हूँ, अंदर से अगर आप बाहर देखो ये जो ORVM है इनको देखो तो विजिबिलिटी ठीक हो रखी है, अड़ नहीं रहा है, यूँ नहीं लग रहा कि ORVM एकदम ढक गए, मेरे को बाहर कुछ नहीं दिख रहा, ये वाली चीज़ नहीं है। जो पीछे वाले शीशे हैं इनको भी उतार के और इन पर भी मैग्नेट वाली चढ़ा देता हूँ। लास्ट रो में यार पहले पुराने वाले चढ़े हुए हैं, खैर 6 पीस में आए, 2 और ये 2 पीछे वाले, इनको लगाऊँ ना लगाऊँ देखता हूँ, इसको उतार लेता हूँ। खैर मेरे पास हर चीज़ का इलाज है, अगर इसमें मेरे को हल्का लगा तो यार फिटिंग एकदम एग्जैक्ट कटिंग वाली नहीं बैठ रही है। मैं जो डिस्क्रिप्शन है डाल दूंगा जहाँ से जो मैंने खरीदा है, जहाँ से खरीदा है। यहाँ भी एक मैग्नेट की कमी है, यहाँ होना चाहिए था। और इधर अगर मैग्नेट लगा दूँ, इसको मैं चेप दूँ, फिटिंग यार एकदम बढ़िया नहीं बैठ रही, मतलब यूँ नहीं फंस रहा हो, कहीं पे फंस नहीं रहा, हवा में उड़ रहा है, मैग्नेट के ऊपर ही टिका हुआ है। खैर मैग्नेटिक का फ़ायदा भी यही था, फैक्ट भी यही था मैग्नेटिक वाले सनशेड्स का। अब बचे ये आखिरी, इन पे भी लगा देते हैं। ये रहे, किस साइड डलेंगे, ये रहा। तो अरे जो मैग्नेट है ना इनकी क्वालिटी थोड़ी मतलब हल्की सी लगी मेरे को, मज़ेदार से नहीं लगे। पर इनका फ़ायदा भाई एक चीज़ है, बहुत बेहतरीन फ़ायदा है इनका कि आपके शीशे बच जाएंगे और जो पावर विंडोज़ की मोटर है वो भी बच जाएगी। तो यार चारों शीशों में मैं लगा चुका हूँ और दूर से लुक की बात करूँ थोड़ा थोड़ा, देखो पता तो पूरा पूरा चल रहा है कि इसमें सनशेड्स लगे हुए हैं, अच्छे से पता चल रहा है। पर ये है कि पहले जो सनशेड्स थे ना उनके यहाँ पर कट था, उसकी वजह से प्रॉपर पता चल रहा था कि सनशेड्स लगे हैं, इसमें प्रॉपर नहीं पता चल रहा, जेड ब्लैक वाली थोड़ी थोड़ी लुक आ रही है। अब जैसे ये शीशे हैं इनके अंदर मैं पुरानी वाली भी वो लगा दूँ ना अगर जाली, तो ये और ब्लैक हो जाएंगे, हालांकि अच्छे खासे ब्लैक हो रखे, पर जो सनशेड वाला टिंट होता है ना, एक तो अगर जेड ब्लैक करो तो एकदम दिखता है कि हाँ भाई शीशे ब्लैक हो रखे हैं, उन पे पन्नी चढ़ रखी है, उन पे फिल्म चढ़ रखी है, इन पे वो वाली लुक नहीं आ रही कि इन पे फिल्म चढ़ रखी है। उसका ये फायदा बता देता हूँ, पुलिस वाले रोकेंगे टोकेंगे नहीं, वो भी भाई आपकी गाड़ी के ऊपर और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रोकते नहीं रोकते, किस्मत किस्मत की बात है, मैं आज तक रोका नहीं गया हूँ कहीं पे। और देख 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 देखा नुकसान, ये कहाँ से निकल के आया भाई, यहाँ भी है भाई। प्रोडक्ट की बात करूं बहुत खास नहीं लगा यार, लुक हालांकि बहुत बेहतर हो चुकी है। फायदा भी है कि इसकी मोटर बच जाएगी क्योंकि एक साल बच रहा है, इसके मोटर के ऊपर मैं खर्चा नहीं करवाना चाहता किसी भी टाइप का। तो भाई अब बैठ चुका हूं मैं अपनी XUV के अंदर और स्टार्ट कर लेता यार, बहुत गंदी गर्मी है, शक्ल दिखाना नहीं चाहता आप लोगों को, इतनी बुरी हो रखी है। अंदर बैठते धूप चली गई, क्या किस्मत। फिटिंग की मैं बात कर रहा था यार, ये थोड़ी थोड़ी कमी है, देखो यहाँ पर इधर पीछे भी, मतलब फिटिंग एकदम A1 नहीं बैठी हुई। पर मैं बेनिफिट इसका मैं दिखा देता हूँ, जिपर का, ये जिपर मैंने यहाँ से खोला और ये दिख गया मेरे को, जिसकी वजह से मेरा जो ORVM है अगर मैं ढंग से देखना चाहूँ मेरे को यहाँ से दिख जाएगा रात के टाइम,
इधर की भाई जिपर ये देखो ये खुल गया, जिसकी वजह से वो ORVM भी मेरे को ढंग से दिख रहा है, लेकिन अगर मैं ये जिपर वापस लगा दूं तो भी मेरे को ORVM अच्छे से दिख रहा है। इसका बेनिफिट यही है जो मैंने बोला कि हल्की है, थोड़ी गहरी ज्यादा नहीं है, इसका बेनिफिट यही है कि मेरे को दिख रहा है ORVM में सब कुछ, यहाँ से भी तो विजिबिलिटी ना मेरे को दिक्कत नहीं दे रही। दिन के टाइम, रात के टाइम देख लेना, क्लिप डालूंगा। और ओवरऑल यार मैं बताऊं, पुरानी वाली के हिसाब से तो कम गहरी है, लेकिन ये जो है ये मेरी गाड़ी के शीशों को बचा के रखेंगी मोटर के हिसाब से। मैं शीशा पूरा नीचे करूं, ये शीशा मेरा नीचे गया, कहीं नहीं अटका, ये मेरा शीशा ऊपर गया, कहीं नहीं अटका, ये बेनिफिट आ जाता है भाई इसका। मेरा वो वाली मोटर खराब थी ना, ये शीशा गया नीचे, ये शीशा पूरा ऊपर बैठ गया बिना किसी परेशानी के। यार फिटिंग 6 नंबर दूंगा मैं 10 में से, अगर फिटिंग मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, पर वही है ये गाड़ी को मेरे बचा के रखेगी, शीशे बचा के रखेगी, इतनी फिटिंग का भी करना है क्या मेरे को, और काले करने हो अगर तो मैं पुरानी वाली जाली बिन के अंदर फिट कर दूंगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं उसमें। देखूं तो यार देखो जो जेड ब्लैक वाला ऑरा होता है, जो जेड ब्लैक फिल्म वाला होता है, देखो एक तो मैंने एयर रोलर लगा रखा है, अगर मैं कहीं गाड़ी खड़ी करता हूँ ना तो धूप धूप में कहीं गाड़ी खड़ी करूँ तो मेरी ठंडी रहती है गाड़ी, इसलिए रोलर भी लगा रखा है मैंने। और रोलर के बाद अगर मैं लुक की बताऊँ तो देखो फील तो जेड ब्लैक वाली आ रही है मेरे को, नो डाउट। हाँ टिंट अभी भी वही है कि दिख रहा है मेरे को, विजिबल है, पता लग रहा है कि मेरे में सनशेड्स लगे हुए हैं, पर कम ज्ञान लगेगा लोगों को क्योंकि आगे जो है कट नहीं है इनमें, फुल है, फुल्ली आगे से पीछे तक पैक्ड है, कहीं कट नहीं, कहीं विजिबिलिटी नहीं, तो कहीं ना कहीं जेड ब्लैक वाली फीलिंग मेरे को अच्छे से दे रहे हैं। पीछे वाले शीशे भी मैंने चढ़ा के रखा है, पीछे वाला तो लगता ही एकदम ऐसे है। और अंधेरे के टाइम ना अगर मैं इसको बेसमेंट में खड़ा करूं, अगर नीचे खड़ा करूं तो मेरा A1 लुक आता है इस गाड़ी में, मतलब मेरे को कोई परेशानी नहीं, कोई इससे कंप्लेंट नहीं है। और हल्की हल्की झलक अंदर की आ रही है, लेकिन ये नहीं पता अंदर कौन है, वही है मतलब सनशेड वाला काम तो इसने पूरा पूरा अपना निभा दिया है। दाम अगर मैं बताऊं तो केवल 800 रुपये में 6 पीस का मेरे पास ये आ चुका है, और दिन का तो ये देख लिया, रात का लुक आप देख लो। वहीं पर रात के लुक की बात करूं ना तो हाँ थोड़ी थोड़ी जेड वाली फीलिंग आ तो रही है मुझे, पर फर्क बताऊं क्या चीज का यार, अगर अंदर लाइट जल रखी है, अगर अंदर मेरी एम्बिएंट लाइट भी जली हुई है ना तो दिख रहा है कि हाँ भाई अंदर कुछ है, तो एकदम जेड वाला काम तो नहीं बोलूंगा, फीलिंग तो पूरी आ रही है कि मतलब मैंने गाड़ी अपनी जेड ब्लैक करवा दी है, पर रात के टाइम ये वाला सीन है, देख लो। आगे की बात करूँ, आगे से विजिबिलिटी कितनी है भाई, है यार आगे से दिख तो रहा है, पर मैंने फ्लैश भी चला रखी है ना, दिखेगा ही 0.5 वाले उससे देखूँ तो बिल्कुल ही कुछ नहीं दिखेगा, एकदम ही कोर अंधेरा, ये सीन है यार। पीछे तो लगी हुई है ऑलरेडी पहले से जाली, और 6 पीस में आई है जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है यार मेरे को मतलब खराब भी नहीं लग रही। और अंदर बैठ के बात करूँ ना तो पहले से यार डिपेंड करता है, मैं अपनी बात करूँ तो मेरे को पहले से थोड़ा ठीक लग रहा है। मैं फ्लैश ऑफ करके देखा, फ्लैश ऑफ करके देखा तो कुछ नहीं है, पर इस साइड से जिप हटाऊं अगर मैं तो हाँ ठीक है, अरे जिप थोड़ी दिख तो रहा है, पर डिपेंड करते हैं मैं भाई बिना जिप खोले भी गाड़ी चला लूंगा, मेरे को तो कोई परेशानी नहीं आएगी क्योंकि दिन का मैंने आपको दिखा दिया, दिन में ठीक दिख रहे हैं शीशे मेरे को, रात में भी दिख रहा है एक्चुअली, मैं अपनी आंखों से अगर बताऊं जस्टिस तो होएंगे नहीं आप लोगों को बिल्कुल भी, पर मेरे को रात में ठीक दिख रहे हैं शीशे बाहर वाले, ऐसा नहीं है कि मेरे एकदम ब्लॉक हो रखे हो कि कुछ नहीं दिख रहा हो भाई, यही है कि पूरा अगर आगे तक के आपने ये लिए हैं जो सनशेड्स हैं वो बिल्कुल तो जेड आपको मिलेंगे नहीं, जैसे नॉर्मल फंसाने वाली जाली आती है वैसी कई, इसका यही फायदा है कि आगे तक है, आगे तक की जाली है, तो रात के टाइम या दिन के टाइम आपकी विजिबिलिटी, देखो शीशा चमकता दिखा आप लोगों को, तो रात या दिन के टाइम आपकी विजिबिलिटी में फर्क ना पड़े। अब वापस पहुंच जाओ दिन में, तो भाई हमने रात का लुक भी देख लिया और दिन का भी लुक देख लिया, और जेड ब्लैक कहीं ना कहीं मेरे को फीलिंग आ रही है तो बिल्कुल हाँ आ रही है, मेरे को गाड़ी चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, मेरे को गाड़ी दौड़ाने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही, और साइड के जो ORVM है उसकी विजिबिलिटी में भी दिक्कत नहीं है क्योंकि
देख लो हल्के हैं थोड़े थोड़े पिछले वालों से, और ये मैग्नेट है यार इनकी प्लेसमेंट, मतलब एकदम टिच तो नहीं है, नॉर्मल जो होते हैं ना नॉर्मल सनसेट्स हैं, नॉर्मल वायर वाले, उनके अंदर चुंबक चिपका रखी है, डाल रखी है कि जो फ्रेम है लोहे वाले उनसे चिपक जाए। फायदा सिर्फ एक है इस चीज का, एक्चुअली दो है, एक कि जो आपकी पावर विंडो की मोटर है ना वो बच जाएगी, शीशे बच जाएंगे जालियों की वजह से, और अंधेरा रहेगा गाड़ी में, गर्मी थोड़ी कम लगेगी, और लुक तो खैर A1 आई रहा है गाड़ी का। तो ये जाली यार मतलब 50-50 लगी कि इसका फायदा भी है लेकिन हल्की है, थोड़ी और भारी मंगाऊं या गाड़ी का लुक कैसे आ रहा है, बेसिकली मेरे को ये बताओ, यही लगा के रखूं या पुराने वाले लगा के रखूं, ये चीज आप लोग कमेंट में बताओगे। कई दिनों बाद अपनी एक सीवी की शक्ल दिखा रहा हूं, बीच में दह पोलो दह 20 कर रखी थी मैंने, मैं जानता हूं, और कमेंट करके बताओ भाई इस चीज को मैं रखूं या हटा दूं, क्योंकि लुक वाइज तो A1 लग रही है मेरे को, कोई कमी नहीं लग रही, और भरी दोपहर में भरे दिन में खड़ा हूं, मेरे को अंदर कुछ नहीं दिख रहा। अब मैं धीरे धीरे फोकस करूं ना तो मेरे को कंप्लेंट कम हो रही है, क्योंकि मेरी आदत बन चुकी थी मैं एकदम ही ब्लैक रखता था, और ये जो है ना ये कहीं ना कहीं ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, कोई कमी नहीं लग रही इनमें, कोई खराबी नहीं लग रही। खैर यही थी कुछ आज की वीडियो, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी, ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, और ऐसी एक आधी चीजें अपनी XUV का मंगाता रहूंगा। जेड ब्लैक वाली लुक A1, मजे आ रहे हैं A1, कोई मेरे को परेशानी नहीं है, कोई मेरे को कंप्लेंट नहीं है, और थोड़े बहुत इसके अब शॉर्ट्स डालने वाला हूँ, तो देखना बताना कैसी कुछ लग रही है अपनी गाड़ी, और इस चीज़ को रखूँ नहीं रखूँ, हटाऊँ या फिल्म ही चढ़वा दूँ, वो चीज़ भाई आप लोग बताओ। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, सब्सक्राइब कर दो भाई अच्छे से, 2000 होने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और इंस्टा की मैं आईडी डालता हूँ, वहाँ भी जाके फॉलो करो, मैसेजेस करो, प्यार करो, कमेंट में भी प्यार दिखाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।